हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। आगे वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। तो यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड का घर था उस पर मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं होने की वजह से उसका घर जो थोड़ा कोलैप्स कर गया था, मतलब पूरा टूट चुका था। बस थोड़ा चीज़ ही बचा था, जितना मेंटेनेंस लायक था उतना ही बचा था और बाकी सब टूट गया था। ऊपर से पूरा गायब हो गया था। छत जो थी मतलब पूरी गायब हो गई थी ऊपर से। तो मैं जितना भी सामान था सब रख लिया था, तो बस थोड़ा सा सामान बचा है। यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक राइफल ट्रैप शॉटगन ट्रैप ये सब जो मेन चीज़ें थे वो अपने घर में उठा के रख रहा था कि मतलब काम दे, एक ही लोग का घर रहेगा ठीक रहेगा। क्योंकि मैंने भी अपने फ्रेंड को मैनेज ट्रफ कर लिया था तो वो भी मेरे घर में रह सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसका घर तो टूट गया था तो मैंने कहा, उसने कहा कि मेरे घर में रह लेगा, तो मैंने उसका सारा सामान अपने घर में रख लिया और जितने भी शॉटगन ट्रैप थे ऑटोमेटिक राइफल डिवाइस थी सब अपने घर में रख ली। जितना भी सामान था वर्क ब्रेंच था जो थर्ड लेवल का वो भी मैंने रख लिया, एडवांस वर्क ब्रेंच सब चीज़ मैंने रख लिया। लार्ज स्टोरेज चेस्ट थे जितने भी, सब चीज़ मैंने अपने घर में उठा के रख लिया उसका। फिर मैंने शॉटगन ट्रैप भी सब रख लिया उतना, और एक तीन उसके कम से कम मेरे हिसाब से उसके पास तीन या चार शॉटगन ट्रैप थे और एक ऑटोमेटिक राइफल डिवाइस थे। मेरे पास हो चुके थे 2 ऑटोमेटिक राइफल डिवाइसेस और 4 शॉटगन ट्रैप। सो गाइस, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। यहाँ पर मेरा फ्रेंड मुझे सारे के लॉग बता रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं सीरियलाइजेशन को ख़त्म होने में नहीं रीस्टार्ट होने में 93 आवर्स बचे हैं, देख सकते हैं। और गाइस, ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो मैंने एक ही दिन में खेल के बनाया, ये कई दिन का वीडियो है और ये सर्वर भी ख़त्म हो चुका है। ये वीडियो में आने में थोड़ी लेट हो गई है, करीब 2 दिन हो गए हैं ये वीडियो को बनाए हुए। तो ये जो सर्वर है ये वाला सर्वर भी रीस्टार्ट हो चुका है। ये सर्वर आपको नहीं मिलेगा टेकलिस्ट 298। अब मैंने सोशल सर्वर पर स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अगर जो मैं मतलब वीडियो डालूंगा उसमें बता दूंगा सोशल सर्वर पर कौन सा सर्वर स्टार्ट किया है मैंने, तो आप लोग भी उस पर सोशल सर्वर में आ सकते हैं। सोशल सर्वर में खेलने में वाकई में बहुत मज़ा है, उसमें सब चीज़ अनलॉक रहती है। हर एक सोशल सर्वर का अलग अलग रहता है कि इसमें क्या चीज़ मिलेगी आपको। कोई में जैसे कि अनलिमिटेड स्टील बार आयरन बार मिलते हैं, कुछ में स्टील आर्मर मिल जाता है, कुछ में नहीं मिलता है, मतलब लेकिन अनलॉक सब रहता है। सब सोशल सर्वर का अलग अलग सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हर ट्रैप में लगभग काफ़ी बुलेट्स है। सबसे ज़्यादा बुलेट्स इस वाले ऑटोमेटिक राइफल डिवाइस में करीब 2000 के करीब हैं, 2000 से ज़्यादा ही हैं, और इसमें कम है। तो मैं बाद में सब में गोली और बुलेट्स भर दिए मैंने, तो मैं वीडियो को स्पॉइल नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। हाँ, एक बात है, सोशल सर्वर में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और वहाँ पर ज़्यादातर घर सारे स्टील के घर दिखेंगे आपको। कोई भी आयरन वुड स्टोन का घर नहीं दिखेगा, कोई भी सारे होम फुल स्टील के दिखेंगे आपको। क्योंकि वहाँ पे तो स्टील आयरन बार तो बहुत मिलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, बहुत चीज़ मिलेगी आपको। वुड्स की क्लॉथ व्लॉथ की कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। यहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा सामान लाया था और 2 फर्नेस भी लेके आके लगा दिया था मैंने, कि फर्नेस की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने लगा दिया था। तो प्लीज़ वीडियो को इन्जॉय करें और एंड तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं गेम प्लेज रिकॉर्ड करने के बाद उसमें वॉइस ओवर करता हूँ, यानी उसमें साउंड नहीं रहता है, सिर्फ गेम प्ले रहता है। फिर उसके बाद मैं इसमें अलग से वॉइस ओवर करता हूँ, साउंड डालता हूँ। तो फिर देखें, यहाँ पर मैं बुलेट्स बना रहा था कुछ 12 गॉज की, मतलब मैं गन पाउडर बना रहा था कि और बुलेट्स बना सकूँ शॉर्ट गन ट्रैप की, जिसमें और मैं बुलेट्स डाल दूँ। देख सकते हैं 5.56 की बुलेट्स और बनानी थी, और मुझे बनानी थी बुलेट्स की ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन लास्ट में आप लोग देखेंगे क्या हुआ मेरे साथ, एकदम सरप्राइजिंग शॉकिंग वाली चीज़ होगी। इतना आयरन चीज़ करने के बाद
मैंने सब में काफ़ी बुलेट्स लगा दी थी। तो अब मैं आपको अपना घर यहाँ पे मैं ऊपर का घर दिखाने के जाऊँगा, मतलब दिखाऊँगा, मतलब दिखा दिया है क्या, तब ये वॉइस ओवर बाद में क्या हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर दिखाऊँगा कि ऊपर मैंने कैसा बनाया। ऊपर भी एक स्लीपिंग बैग रखा है, मैंने दो स्लीपिंग बैग रखे हैं टोटल। तो देख सकते हैं यहाँ मैं लगा दिया हूँ फ्यूल, फ्यूल लगा दिया। अब जाएंगे ऊपर, यहाँ से देख सकते हैं ऊपर कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक रूम है, वो एक रूम है और एक इधर एक रूम है, इसमें स्लीपिंग बैग है मेरा और एक इधर है, ये भी मैं बंद कर दूँ, कोई काम का नहीं। ऐसे ही मैंने ज़्यादातर सब जगह वॉल्स से सिर्फ इतने रूम्स देख रहे हैं, यही जाने के लिए है बस, और सब में वॉल्स ही वॉल्स हैं। देखो कि आप अभी मैं तोड़ के दिखाऊँगा आपको, ये देखिए, ये देख सकते हैं कुछ नहीं, पूरी वॉल्स हैं खाली, ये वॉल्स हैं देख सकते हैं खाली वॉल्स हैं। मतलब क्या कि कोई तोड़े ऊपर से भी आए थे, बहुत लोग आते हैं ऊपर से आते हैं तोड़ के, तो कोई ऊपर से भी नहीं आ पाएगा मेरे घर में। और आपको बीच बीच में वीडियो में जैसे ही वीडियो आगे बढ़ रहा होगा आप लोग को सिविलाइजेशन रीस्टार्ट टाइम अलग दिख रहा है, जिससे देख सकते हैं अभी एक घंटा बाकी था तो मेरा घर किसी ने रेड कर दिया बहुत बुरी तरह से, पक्का मिलिट्री C4 या हैंडमेड चार्ज किया हो, क्योंकि सिंपल अर्ल ड्रॉप बॉम्ब से आयरन का तोड़ना तो मुश्किल है। देख सकते हैं पूरा मेरा तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है, देख सकते हैं ये, देख सकते हैं ये तब का वीडियो जब एक घंटा बाकी था, तो मैंने जैसे बताया था कि एक दिन का वीडियो नहीं है, दो दिन दिन का मिला के है। तो यहाँ देख सकते हैं पूरा टूट चुका है घर, पूरा तोड़ दिया मेरा ऊपर तक का भी स्लीपिंग बैग देखे, लेकिन उन लोगों ने मेरा कैबिनेट नहीं तोड़ पाया क्योंकि उन्हें कैबिनेट दिखाई नहीं होगा मेरा कैबिनेट, क्योंकि एक ग्लिच है जैसा मैंने आपको बताया था कि इनमीज को नहीं दिखेगा, जिसको आप लोग मैनेज टर्म में से ऐड करेंगे उसी को आपका कैबिनेट दिखेगा। तो इनमीज को मेरा कैबिनेट नहीं दिखा तो मेरा कैबिनेट नहीं तोड़ पाया। देख सकते हैं इलेक्ट्रिक गेट तक मेरा स्लीपिंग बैग, जितना भी मैंने दो ऑटोमेटिक राइफल और 4 की 5 शॉटगन ट्रैप लगाए थे सारे तोड़ दिए उन्होंने। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।